Hello friends, welcome back to my channel Cooking with Simranjeet. So today I'm gonna show you a kheer which is very different. और मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं इसमें क्या different use करने वाली हूँ और ये क्यों different है. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. मैं इसमें पहले तो use करूँगी rice, चीनी, बादाम, इलायची, गाजर, किशमिश, दूध और नेस्ले का मिल्कमेट. और ये बहुत सिंपल है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये मैंने पैन रेडी कर लिया है. अब मैं इसमें यूज़ करूँगी तकरीबन एक चम्मच घी, ऑलमोस्ट एक चम्मच. ऐड कर दूंगी आलमंड, कैरेट, बस अब इसको इस तरह से एक बार घुमा देना है और अब हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है धीमी आंच पे. ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए अब इसको हम एक बार चला के देख लेंगे. ये ऑलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है. अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, चीनी, और हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क तकरीबन दो बड़े चम्मच. बस अब हम इसको धीरे धीरे इस तरह से घुमाते रहेंगे तकरीबन 5-10 मिनट. बस अब इसको और पकाना है. और ये बहुत ही सिंपल तरह से बनाने वाली खीर है और इसमें समथिंग कुछ डिफरेंट है. आप जैसे अगर घर में कोई मेहमान आता है तो ये थोड़ा समथिंग डिफरेंट हो जाता है. बस इसको इस तरह से धीरे धीरे हम हिलाते रहेंगे. सो फ्रेंड्स, ये रेडी है आपकी खीर. अगर आपको ये अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And thank you.